अगर आप इस पैक को लगा लेते हो ना, पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस आपकी स्किन एकदम वाइट हो जाने वाली है। तो एक बार आप लोग इस पैक को ज़रूर यूज़ करना, घुटने के, कोहनियों के और अंडर आर्म्स के काले दाग धब्बे तो चले ही जाएंगे। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं बताती हूँ इस पैक को बनाने का तरीका। तो सबसे पहले आपको ले लेना है कोकोनट ऑयल और आपको ले लेना है बेसन, जो कि आपके किचन में बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। कोई भी मैं कॉस्टली चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ। ये है मुल्तानी मिट्टी, आप कोई भी मुल्तानी मिट्टी ले सकते हो, ये ख़त्म हो चुका है, बहुत कम है। और ये है विटामिन ई कैप्सूल, जो कि आपको मेडिकल पर बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। और इन सारी चीज़ों का मैं चमत्कार दिखाने वाली हूँ आपको, कि इन सारी चीज़ों को मिलाकर अपने आप काले दाग धब्बों पे हटा लगाते हो तो कैसे हट जाता है। तो चलिए बताती हूँ मैं बनाने का प्रोसेस। तो आपको लेना है बेसन, आप जितनी भी चाहो क्वांटिटी के हिसाब से ले सकती हो, आप इसे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। देन लेना है आपको मुल्तानी मिट्टी। तो गाइस देखो, ये मुल्तानी मिट्टी ख़त्म हो गया है। मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ मुल्तानी मिट्टी गर्मियों में, ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और जिसके फेस पे पिंपल्स वगैरह होते हैं, दाग धब्बे, उन फेस के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये दोनों बहुत ही रामबाण इलाज है हर चीज़ के लिए, हमारी खूबसूरती बढ़ाने में। देन आपको इसमें डालना है 2 से 3 विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल के बारे में तो बहुत लोग ही अच्छे से जानते होंगे, ये हमारे चेहरे को शाइनी बनाते हैं, जहाँ भी आप लगाते हो शाइन बना देता है और वहाँ के दाग धब्बे हटाने में मदद करता है। देन मैं इसमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी, थोड़ा ही मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना है। देन मैं इसमें नारियल का तेल मिलाऊंगी, कोकोनट ऑयल। देन मैं इस पैक को अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। ये सारी आपको चीज़ें मिला देने के बाद आपको इस पैक को 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि सारी चीज़ें खुद में आपस में बहुत ही अच्छे से मिल जाए और जब भी हमारी स्किन पे लगे तो बहुत ही अच्छा असर दिखाए। तो गाइज आपको क्या करना है कि जहाँ भी आपके स्किन पे काले दाग धब्बे होंगे, जिस जिस जगह पर, आपको ऐसे अपने उस जगह पर अप्लाई कर लेना है, जैसे कि घुटनों के दाग धब्बों के ऊपर, कोहनियों के दाग धब्बों के ऊपर। और तो और इसे आप अपने अंडर आर्म्स पे भी यूज़ कर सकते हो, ये बिल्कुल नेचुरली चीज़ है, कोई भी इफेक्शन नहीं करेगा, कोई भी आपको इरिटेशन नहीं होगा, कोई भी हार्म नहीं होगा आपको। तो आपको इसे हफ्ते में 2 बार तो अप्लाई करना ही है और इसे लगाने में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ना ही ज़्यादा कोई झंझट है, आपको आराम से ऐसे लगा लेना है और मोटी मोटी परत लगानी है और उसके आगे भी लगा लेना है, क्योंकि हम लोग बाजू मोड़ते हैं तो ब्लैक सा हो जाता है, तो आपको वहाँ भी अप्लाई करना है, आगे के बाजू पे भी। आप एक बार लगाओगे ना गाइस, तो ये मेरी गारंटी है कि आप बहुत ही ज़्यादा इसे पसंद करने वाले हो और आपके जो भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और अगर आप जिससे भी मिलोगे ना, आप उसको ये फेस पैक का सुझाव ज़रूर दोगे और आप तो पार्लर भूल ही जाने वाले हो इस चीज़ के लिए, और आप सोचोगे कि क्या ही झूठ, इतना पैसा हम पार्लर में लगाते हैं। इसी पैक को आप बार बार यूज़ करोगे और उससे आपको रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा, आप बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड होगे इस पैक से। आप इसे अंडर आर्म्स पे भी लगा सकते हो बहुत ही अच्छे से, वहाँ का ज़्यादा ब्लैक ब्लैक जो होता है वो भी धीरे धीरे हट जाएगा। लेकिन गाइस ये याद रहे कि जब आप शेविंग कर लो, अंडर आर्म्स के हेयर्स रिमूव कर लो, तभी आप ये अप्लाई करना पैक। नाउ गाइस ये ड्राई हो चुका है, सारी जगह पे हम लगा के उसे ड्राई होने देंगे अच्छे से। 2 hours later और ये ड्राई हो चुका है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, एकदम स्किन में अब्जॉर्ब हो गया है, आप देख सकते हो। देन मैं इसे कपड़े के मदद से, पानी और कपड़े के मदद से इसे मैं रिमूव कर रही हूँ और ये आप लोग देखो, ओ माय गॉड, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब स्किन साफ़ हो जाता है, और स्किन साफ रखना कौन नहीं चाहता, एकदम सेलिब्रिटी लाइक आपके स्किन हो जाने वाले हैं इस पैक को लगाने के बाद। आप इसे ऐसे रब भी कर सकते हो, उससे क्या होगा कि आपका जो भी गंदगी होगा वो अच्छे से निकल जाएगा, और आप इसे वॉश भी कर सकते हो डायरेक्टली, चॉइस आपकी है।
तो मैंने रिमूव कर लिया। और ये आप देखो, ये कोई फिल्टर विल्टर नहीं लगाया है मैंने, और ये आप देखो एकदम साफ है। मेरी कोहनियाँ, मेरे घुटने, मेरे अंडर आर्म्स सभी एकदम क्लीन है, आप देख सकते हो। आपको ये फेस पैक का आइडिया कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। और उम्मीद है कि गाइस ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और आप लोग के लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।